अक्सर लोग ये कहते हैं साहब रब ताला से दोस्ती के लिए कोई वजीफा हमें पता चल जाए। दोस्ती तो गौर फिक्र से आएगी, मोहब्बत उसकी गौर फिक्र से आएगी कि जितना इंसान रब ताला की कुदरत पर गौर फिक्र करेगा उसकी अजमत उतनी ही आया होना शुरू हो जाएगी। आम आदमी रब ताला से उतना नहीं डरता जितना एक वली अल्लाह डरता है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को तो अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत का बिल्कुल ही कोई अदराक नहीं, तो चूंकि उनको थोड़ा सा एक अदराक होता है, एक हल्की सी झलक का अंदाजा होता है कि रब की बुजुर्गी और उसकी बड़ाई क्या है, तो वो उतना ही उससे खौफजदा रहते हैं, उससे डरते हैं, उससे कांपते हैं। तो जब हम गौर और फिक्र करेंगे तो रब ताला की बड़ाई और उसकी कुदरत का अदराक होगा हमें, तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत भी पैदा होगी और उसका रोब भी पैदा होगा, वो चीज पैदा नहीं होगी। इसलिए जुबान से जिक्र के पीछे न दौड़ें हम, बल्कि कोशिश ये करें कि किसी तरह से हमें गौर और फिक्र की आदत हो जाए। अगर हम फारिग बैठे हैं तो कुरान पाक का चाहे कोई एक हर्फ हम ले लें और उस पर फिक्र शुरू करते हैं, इब्तदा में तो दिक्कत आएगी लेकिन आहिस्ता 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 उगदे खुलने लगते हैं और इंसान कहीं का कहीं चला जाता है।